स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की पूरी टीम अलर्ट हो गई है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में कहा है कि आतंकी, खासतौर से जैसे मोहम्मद और लश्करे तौबा के अलावा जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है, वो 15 अगस्त के मौके पर राजधानी दिल्ली को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में अगर लाल किले की आप देखें, जहां से प्रधानमंत्री झंडे को फहराएंगे 15 अगस्त को, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। अगर आप ये देखें तो जो लाल किले का मेन एंट्री गेट है, इसको बाकायदा पूरी तरह से ढक दिया गया है, क्योंकि इसी के ठीक सामने जो लाल किले का प्राचीर है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। ऐसे में पूरे लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां पर देखें आप तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में ये बताया है कि दरअसल 15 अगस्त के ठीक एक महीने बाद सितंबर में दिल्ली में G20 समिट होना है, और ऐसे में 15 अगस्त का वो मौका होता है जब देश और दुनिया की निगाहें राजधानी दिल्ली पर होती हैं, भारत पर होती हैं। ऐसे में आतंकी इसका फायदा उठाते हुए आतंकी हमला कर सकते हैं, ताकि भारत की छवि खराब हो और G20 जो समिट है उसमें दखल हो, उसमें कहीं न कहीं गतिरोध पैदा हो, अवरोध पैदा हो। ऐसे में आतंकी जो के मंसूबे हैं वो राजधानी दिल्ली में हमला करने की है। ऐसे में पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जगह जगह दिल्ली पुलिस की तैनात है, लाल किले को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।